जर्नी बहुत अच्छी रही बिग बॉस OTT से लेकर बिग बॉस 15. आई थिंक सबसे बेस्ट बात बिग बॉस की मुझे ये लगी कि आई गॉट टू कनेक्ट विद अ लार्ज ऑडियंस. भारत की जनता से, आवाम से एक कनेक्ट करने का मौका मिला जो शायद सिंगिंग में इतना नहीं मिलता है. आवाज़ कनेक्ट कर पाती, इंसान उसके पीछे कौन है वो कनेक्ट नहीं कर पाता. तो डेफिनेटली वो करने का एक अच्छा मौका मिला. अब इसके बाद तो मैं बिग बॉस डेफिनेटली कभी नहीं करूँगी. तो आई एम वेरी हैप्पी कि एक जो मौका था वो अच्छा गया. मैम करण कुंद्रा जी आपके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं आपको, तो क्या कहेंगे करण जी के? इट्स रियली फनी बिकॉज जब मैं अंदर गई थी तो करण और मैं लिटरली इसे एनिमीज थे. और उसका रीज़न है कि उन्होंने शमिता और प्रतीक के बारे में कुछ ऐसी बातें बोली थी जो मुझे नहीं पसंद आई थी. और दोनों ही मेरे OTT से बहुत अच्छे दोस्त हैं. तो मैं थोड़ा, जो लोग मेरे बारे में जानते भी हैं, दोस्तों के दोस्त हूँ, तो मुझे वो था कि करण जो है वो मुँह पे क्यों नहीं बोलता, यू नो, कि गेम खेलने गया है तो भाई मुँह पे खेल. तो मेरा वो थोड़ा उससे कहते ना 36 का आंकड़ा बैठ गया था. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम जैसे कहते ना फ्रेंडनीमीज़ बन रहे थे, मतलब कि फ्रेंडशिप भी नहीं है लेकिन एनिमीज़ भी नहीं है. और मैंने देखा कि सेकंड वीक में मुझे जेल में डालना चाहते थे, लेकिन थर्ड वीक तक कहीं ना कहीं वो भी अप्रिशिएट करने लगे थे कि नेहा एक्चुअली ऑनेस्ट है और जो है मुँह पे है. तो 3 हफ्ते की जर्नी थी, सो डेफिनेटली एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर्म हो रही थी. आई डोंट थिंक मैं उनको गेम में फिर भी ट्रस्ट करती, क्योंकि उनका खेलने का मेरे खेलने का तरीका अलग है. बट या भाई से वीकेंड की बात पे आपका आमना सामना हुआ, तो क्या कुछ भाई के बारे में, सलमान भाई के? आई मीन बिग बॉस जो है वो सिनोनिमस है ऑफकोर्स सलमान खान सर के नाम से, और मैंने उनके साथ बहुत काम किया तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. एंड एज अ बिग बॉस कंटेस्टेंट उनसे डरती भी हूँ थोड़ा. जैसे करण जौहर थे तो मैं एकदम बोल देती थी जो भी मेरे मन में होता था, बट विथ हिम थोड़ा एक रिस्पेक्ट रहता है कि वो थोड़ा ज़्यादा डांट भी दे तो हम सुन लेते हैं. तो डेफिनेटली आई मीन जनता उन्हें प्यार करती है, हम उन्हें प्यार करते हैं. मैं हम अपने फैंस को NB वॉरियर्स बोलते हैं. उसका रीज़न ये है कि मेरी जैसी औरतों को बहुत बहुत कहते हैं ना जैसे जदोजहद करनी पड़ती है इस दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए. एंड मेरे फैंस ने बहुत मेरा साथ दिया है, और बहुत साथ दिया है. कहते हैं ना कि जैसे अब आई केम आउट ऑफ BB15 मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरे सिर्फ फैंस नहीं मेरी फैमिली है. सो आई वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू कि आपने मेरा साथ दिया, मुझे प्यार दिया और मेरे हेटर्स को मुँह तोड़ जवाब दिया बिल्कुल मेरे स्टाइल में. थैंक यू सो मच. थैंक यू.